और न्यूकेरिया में इसे जान से खत्म कर दूंगा, आपकी बार दोबारा दिखा। और ये के भाग चुका है, वो मदद के लिए और कोई नहीं आया, सारे ही खड़े होकर तमाशा ही देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई, चाकू उससे छीने, वो सामने पंखे वाले, उन्होंने चाकू छीना आन के। तो एक आदमी ने आके उसे रिक्शे में लिटाला था, तो मैं उसे लेके जा रही थी, तो वो लड़का यहाँ से निकला था, न्यूकेरा में तेरे भाई को मारी आया। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में, और मेरा नाम है आफरीन खान। सबसे पहले आप दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में, और हाल ही में यहाँ से एक लड़के के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। जी हाँ, बीच सड़क पर उस लड़के के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है। आखिर इस हमले की क्या कुछ वजह है और क्यों अपराधियों ने उस लड़के को अपना निशाना बनाया, परिवार से जुड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? जुलेखा। आपके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ था? मेरे बेटे साहब, मैं तो बुध बाजार गई थी मैडम, मुझे तो पता नहीं थी। जब मैं मैडम गाड़ी में सोती हूँ तो वहाँ के रोंडे जब बोले तुम्हारे जाबी के पीछे सलमान चाकू लेके भागा है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं नहीं आ पाई थी यहाँ तक। तो सलमान मुझे रास्ते में मिला, कह रहा मैं तुम्हारे रोंडे का चाकू मार आया, तो मैंने मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा जी मजाक कर रहा दिखे। तो इतनी देर में क्या देखती हूँ, मेरी जो छोटी वाली रोंडिया उसे गाड़ी में डाल के और मुझे चीखने लगी, अम्मी जल्दी बैठो गाड़ी में, मेरे भाई का क्या हाल होगा। देखा तो उसके हाथ पहुँच गए, सब बाहर निकल गए थे मेरे रोंडे के। हम ऐसे लेके लाल बहादुर पहुँच गए, लाल बहादुर में जाके वहाँ पर करा, तो उन्होंने भैया मीडिया वाले आ गए थे, उन्होंने हमारी तस्वीरें ली, फोटो वोटो हमारे लिए मीडिया वालों ने, और पुलिस वालों ने अभी तक हमारे उनके घर का किसी को नहीं उठाया। आज 5-6 दिन हो गए, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं जी थैली लगा कर अपना गुजारा करती हूँ। मेरा वही एक बच्चा था, उसको भी और दूसरे राउंड पे भी बार करा, तो उसके यहाँ कोनी में आई है, यहाँ आई थी जरा सी चोट, और उसके यहाँ आई है मैडम। आपके जिस बेटे के ऊपर ये हमला किया गया, उसकी उम्र और नाम क्या है? उसका तो सलमान नाम है, उम्र होगी उसकी 20-25 साल। उस रोंडे ने जो हमला करा है 25-30 साल। आपके बेटे का क्या नाम? मेरे रोंडे का नाम जाबिर है। और कितना उम्र है उसकी? मेरे रोंडे की होगी, उसकी भी 25 साल ही होगी उम्र। जिसने हमला किया है क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, उसे जानते हैं, वो करीब से ही जानते हैं हम, उसे शुरू से जान पहचान है, यही रहता है एक ही जगह, झुग्गियों में रहते थे हम भी, हमारी झुग्गी बिक गई किसी परेशानी में, तो हम तो झुग्गी अब किराए पे रहते हैं और वो झुग्गी में रहता है, उसकी अपनी झुग्गी है। ठीक है, मुझे ये बताएं ये जो चाकू मारा गया आपके बेटे को, आखिर किस वजह से मारा गया? वो आपस में इनकी कहीं वहाँ मारपीट हुई थी किसी बात पे। वो बात आपको पता है कौन सी बात? नहीं, मैं जी नहीं पता इस वाक्य में किस बात पे इनकी मारपीट हुई थी, मैं तो यहाँ आन के अपने रोंडे को ले गई थी अस्पताल, मेरी बच्ची और मैं ले गई थी अस्पताल, तो मुझे जी नहीं पता किस बात पे मारा गया मेरा रोंडे चाकू। कितने लोगों ने मारा है? एक भाई फिलहाल तो वो एक ही मुझे है, वो अपना आप कबूल होगा ना जो हत्या आएगा, बाकी यहाँ तो वो एक ही आया था चाकू लेकर, यहाँ सब गवाही भी दे सकते हैं रेडी पे, यहाँ चाकू मार के वो खुल्लाम चला गया। ये जो हमला हुआ था यही सड़क पर हुआ? यहाँ हुआ था, यहाँ पर, हाँ यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ हुआ था झगड़ा। और क्या आपने FIR दर्ज करवा दी? हमने करवा दी, पुलिस वालों को भी दे रखी है, और मीडियम भी आई थी लाल बहादुर के अंदर, उन्होंने भी हमारी सबकी तस्वीर, हमारे सबके बयान लिए मीडियम वालों ने। अभी क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? अभी एक की भी नहीं हुई, एक की भी नहीं, नहीं। कितने लोग शामिल है इस हमले में? इसमें वही बता सकता, मैं नहीं बता सकती, इसमें दो जने थे, क्या किसी ने उसे सलाह दी थी कैसे करके ना हाँ चाकू ऐसे मारा गया है, तो वो तो ये कह रहा था मुझसे छूट गई, मैं तो चाकू मार आया, अब वो सामने एक आदमी रहते हैं, उन्होंने चाकू छीना है, नहीं वो छीनते तो दूसरा चाकू मार के उसे खत्म कर जाता भैया। मतलब पूरी मारने की प्लान, मारने के प्लान से आया था पूरा, वो ऐसे नहीं आता धमकी देने के कि कैसे ऐसे नहीं, वो पूरे मारने के चक्कर में आया था उस रोंडे। जिसने ये हमला किया क्या उसके पहले दुश्मनी थी आप लोगों से? हाँ, पहले कभी ऐसे दोस्ताना था तो होता था झगड़ा आपस में, तो जान लेवा हमला कोई नहीं होता, अब तो जान लेवा अबला हुआ है उसके ऊपर, आपस में मारपीट हो जाती है वो तो बात दूसरी है, वो तो है आपस में चलती है रोंडेबाजी में, उनने पिछला ही दुश्मनी बदला निकाला। अच्छा, मतलब पहले कभी लड़ाई हुई होगी और उसका बदला अब निकाला? अब निकाला उसे, इतने जो बदला निकाला हमसे। जब ये हमला हुआ इस सड़क पर मदद के लिए कोई आया? मदद के लिए कोई नहीं आया था, बस खाली एक आदमी आया था, बाकी यहाँ मजमई जोड़ा था, मदद के लिए और कोई नहीं आया, सारे ही खड़े होकर तमाशा ही देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई, चाकू उससे छीने, वो सामने पंखे वाले, उन्होंने चाकू छीना आन के। वो जो व्यक्ति है जिसने ये हमला किया, इससे पहले भी आपराधिक वारदातों में रहा है वो? वो पहले भी रहा, उसका यही काम है, उसका बाप भी सजा खा रहा है, उसके बाप ने भी खून कर रखा था, उसका बाप भी जेल में पड़ा, उसे सजा हो चुकी है, और जब चाकू ही लेकर घूमता है हमेशा, और अभी भी गिरफ्तारी नहीं? गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक ये। क्या नाम है आपका? परवीन। आप पीड़ित की जो है बहन है? हाँ, बहन हूँ मैं इसकी, जाबित की। क्या कुछ हुआ था, क्या देखा था? जब मैं आई थी तो रिक्शे में उसे डाल रखा था, उसके चाकू मार दिया था, वो घायल था, पहले उसका खून बह रहा था बहुत,
तो एक आदमी ने आके उसे रिक्शे में लिटाला था, तो मैं उसे लेके जा ही रही थी, तो वो लड़का यहाँ से निकला था, यू कह रहा मैं तेरे भाई को मारिया है। तो हम सोचे ये ऐसी केरिया है, तो जब आके देखा तो वो घायल पड़ा था, दूसरे भाई तो उसके भी चाकू लगा था हाथ में, और यू कह रहा मैं इसे जान से ख़त्म कर दूंगा, अब की बार दोबारा दिखा, और ये के भाग चुका है वो, और इसके घर में से पुलिस वाले कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे, पुलिस वालों के हाथ में केस दे रखा है, वो सुनवाई नहीं कर रहे और ना उसके घर में से किसी को उठा रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहा है, अभी भी खुलेआम घूम रहा है। हाँ, अभी खुलेआम घूम रहा है, उसे नहीं उठा रहा कोई भी पुलिस वाला, और इसने मारने की धमकी दी थी हमें, इसे मार के छोड़ूंगा, और अब इतना घायल है उसके कम से कम 35-30 टाके आए हुए, और हम भाई गरीब है, हम कहाँ तक वहाँ पे भाग दौड़ करेंगे। कौन हैंडल कर रहा है इस केस को, कुछ पता है आपको? ये क्या नाम है उनका, क्या नाम उनका, शेर सिंह, उनके हाथ में भी है, मतलब पुलिस वाले हैं, वो आते देखते हैं, मगर कोई अभी उठा के नहीं ले गए, ना उनकी माँ को उठा रहे हैं, ना उनके भाइयों को उठा रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कैसे उठवा लेंगे। वो लोग अमीर हैं? वो भी हैंगे मगर सही हैं, उनके जुग्गी है, कमरा है, उनके अपने हैं, और वो किराए पर रहते हैं? हम किराए पर रहते हैं, हमारी ठेली से ही गुजारा होता है, मैं कोठी में काम करती हूँ, मेरी अम्मी ये ठेली चलाती हैं, और इनके घर में बोला भी था तो वो यूँ कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा है सही हो रहा है। आप ही हॉस्पिटल लेके गई थी अपने भाई को? मैं ही लेके गई थी लाल बहादुर, वहाँ पे मीडिया वाले आए थे, वहाँ पे वीडियो बनाई है हमने, तो वही वायरल हो गई है, तो ये ठेली है मेरी अम्मी की सब्जी की, अब बताओ हम गरीब हैं, हम कहाँ से करेंगे, और पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अभी देखिए, जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी जगह पर एक लड़के के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है। जी हाँ, हमला इस कदर किया जाता है कि उस लड़के की पूरी जो जान लेने की कोशिश है वो यहाँ पर की जाती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो लड़का अभी ज़िंदा है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है, और अब तो अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सड़कों पर भी लोगों के कत्ल होने लग गए हैं, और अपराधियों के मन में खौफ जो वर्ड होता है वो शायद अब यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलता। जी हाँ, एक सड़क पर खुलेआम, देखिए आप एक बार कैमरा उस साइड जाए तो आपको नजर आएगा कि कितनी ज़्यादा खुली ये सड़क है, कितनी ज़्यादा भीड़भाड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन इस पर भी जो अपराधी हैं वो ऐसे में खुले माहौल में भी जुर्म करने से पहले, किसी का कत्ल करने से पहले एक बार भी कतराते हुए नजर नहीं आते। यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया जाता है, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन शुक्र है कि, फिर से बता दूं, शुक्र है वो इंसान अभी जिंदा है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जी हाँ, वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूलता नजर आ रहा है। आपको दिखा दूं कि परिवार की हालत क्या है, आप देखिए ये रेडी आपको नजर आएगी, यही एकमात्र इस परिवार का सहारा है रोजी रोटी का, इसके जरिए ही इनकी रोजी रोटी चलती है, और जो बेटा इनका काम करता था उस बेटे के ऊपर ही हमला कर दिया गया। उस हमले की वजह क्या है? वजह यह है कि कभी हुई होगी लड़ाई इनकी पहले, और उसका बदला अब निकाला गया उसके ऊपर चाकू से हमला करके। कोशिश तो पूरी थी कि उसकी जान ले ली जाए, लेकिन फिर से कहूंगी कि ऊपर वाले का शुक्र है कि वो इस वक्त जिंदा है, लेकिन फिर भी अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन फिर से बता दूं आपको कि जब बात आएगी पुलिस कार्यवाही की, तो फिर से यहां पर पुलिस प्रशासन घेरे में आता नजर आएगा। जी हां, इस मामले में भी परिजनों का कहना है कि पुलिस वाले उनका समर्थन नहीं कर रहे, अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हां, अपराधी की अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो खुलेआम घूम रहा है, और इनका जो एक बेटा बचा है उसके लिए भी उसने धमकी दी है कि इसे भी वो मार देगा, और जो बेटा जिसके ऊपर हमला किया गया उसको भी पूरी जो मारने की साजिश थी वो यहाँ पर रची गई, लेकिन वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई। अब देखिए परिवार की हालत, देखिए कि माँ और बहनें इस परिवार का गुजारा कर रही हैं, एक रेड़ी चलाती हैं यहाँ पर सब्जी की, आप देखिए आपको नजर आएगा, और इसी के द्वारा इनका जीवन व्यापन होता है। लेकिन देखिए, आप देखना होगा कि पुलिस कब तक उस आरोपी की गिरफ्तारी करती है, और उसके लिए क्या कुछ सज़ा जो है मुकर्रर की जाती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये सबके लिए चिंताजनक है कि सरेआम लोग किसी का खून करने से पहले अब कतराते नजर नहीं आ रहे। इस पूरे मामले पर अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।